here, first of all, one should be accommodating, flexible. You should not be very rigid. Okay. Secondly, there should be a driving force in one's life. I mean, one shouldn't be just very sedentary. The attitude should be driving. Okay. And humility. चाहिए होना चाहिए, ईमानदारी होना चाहिए, और आपके हिसाब से कोई गुण होने चाहिए इंसान में? अच्छा गुण होना चाहिए, दूसरे की मदद। I think honesty is important, openness, positive attitude, and just being happy, most important thing. And I think just accepting whatever you have, rather than looking at the second person thing that other person has that. Just accept what you have and be happy. Second, honesty. And what should be done? Hard work. Mata pita ki seva karna. Apne guru ka aadar karna. Jisse hum kuch seekhte hain. उसका उनको जो है सम्मान, ईमानदारी होना चाहिए और धार्मिक विचार होना चाहिए, आप अच्छे विचार से पर्सनैलिटी अच्छी हो, बॉडी लैंग्वेज और कम्युनिकेशन स्किल्स हो, okay. I think a person should have an objective mind, and I think a person should be compassionate, and I think a person should have a perseverance. Enjoy life. Be happy and peaceful. One exhibition and one honesty. चाहिए उसका अपना कल्चर का ज्ञान होना चाहिए और सोबर होना चाहिए, बड़ों को आदर होने चाहिए, करना सीखना चाहिए. And perhaps clarity of thought. उसको inside out होना चाहिए, मतलब उसका attitude कभी भी दूसरों के खिलाफ खराब नहीं होना चाहिए, और बंदे को मतलब सही तरीके से बिहेव कह पाते जी, वो कहना चाहते हैं फ्री टू से एनीथिंग. या फ्री टू से एनीथिंग मुझे जो सबसे ज़्यादा अच्छी चीज़ लगी जी. बिल्कुल. दूसरी चीज़, डिसीजन खुद लेते हैं जी, अपनी सोच से जो उन्हें अच्छा लगता है, उसी चीज़ से बहुत अच्छी लगती है जी. तीसरे के लिए कहूँगा तो पढ़ने की इच्छा है यार जी, ईमानदारी, पवित्रता जी, और हम जैसे अच्छे इंसान हैं, जितने अच्छी छवि हम अपने आप को रखते हैं तो उतने अच्छे हम लोगों तक के मतलब लोगों को भी देखना चाहिए, वो नज़रिया हमारा होना चाहिए, वो पर्सनैलिटी हर बंदे में होना चाहिए कि हम हर किसी की मदद कर सकें. और पोलाइटली होना चाहिए इंसान को, जो मर्जी ज़िंदगी में आप रोल चाहें. I would say one is honesty, and nowadays I would say intelligence is also important, and modernity. See, for me, I think you should be able to communicate. Okay. Communication is, I think, one of the most important quality, what I think personally. Okay. So you should be what we call at least a sensitive, responsive to the society and needs and requirements. You should be able to contribute little bit to the society. Okay. Not completely. At least whatever society gives to him, at least 5-10% he should be able to pay back it to me. Okay. These are the two essential qualities what I should be honest, kind, and faithful. He should be enthusiastic, reliable. माँ बाप समझदार होगा तो बच्चे को अच्छी लाइन पर लगाएगा, अच्छा उसको पढ़ाई के चक्कर में मतलब लगाएगा, और भी जो भी उसकी चूज था मतलब उनको देगा सारी तरह की, बच्चा अगर मन लगेगा तो फिर पढ़ाई करेगा, अच्छी पूरी सोसाइटी से बचाएगा, अच्छी के साथ उनका मतलब मिलाप कराएगा. पर्सनालिटी, फर्स्टली ही शुड बी वेरी सिंसियर टुवर्ड्स हिज वर्क, एंड सेकेंडली
he should be very devoted towards his or her work, whatever. Then actually the most important factor that I believe is the time management. तो सच्चाई की रही ईमानदारी और जी वो तुम्हारा एक तो आपस के अंदर लोगों में जो आजकल प्यार नहीं है वो होना चाहिए, आपस में एक जो भरोसा होता है जो लोगों में अब रहा नहीं वो होना चाहिए, और हेल्पिंग नेचर होनी चाहिए, दूसरे को हेल्प करे। आजकल लोग एक दूसरे से ईर्ष्या करते हैं, चिढ़ते हैं। He should be very positive person and he should be responsible and the third one is good human understanding. Second one is honesty. Third one is should be first should be true to. आदमी सच बोलना चाहिए, पहले तो सच्चा होना चाहिए, कभी झूठ नहीं बोले, और उसमें विनम्रता भी होनी चाहिए, एक दूसरों के लिए अच्छा व्यवहार होना चाहिए, व्यवहार भी अच्छा करना चाहिए, और आदमी भी एक दूसरे के साथ में घुल मिल कर रहना चाहिए। ईमानदारी सबसे बड़ी है, और मेहनत भी है साथ साथ, मेहनत। One is character, another is morality, yeah. Another is God conscious. सच्चाई और ईमान। माँ बाप की उसमें जो आपको पालन पोषण किया, माँ बाप का अच्छी तरह सेवा करनी, बच्चों को थोड़ी शिक्षा अच्छा देना चाहिए, उनके लिए थोड़ा बच्चों के लिए जो करने हैं, हम उसके लिए उनको जो ड्यूटी कर रहे हैं, बच्चों का देखभाल अच्छे तरह पालन पोषण चाहिए, देश के लिए जो कुछ समाज को बन पड़ेगा कुछ कर सकता है। अच्छा काम करो, अच्छे किसी से लड़ाई मत करो, लड़ाई ना करना, अच्छा काम करो, ऊपर वाले का नाम लो। तो सच बोले, हाँ ठीक है, धोखा ना दे, हम्म, और अपनी फैमिली के लिए हमेशा के unfaithful, then perhaps being a liar, yeah. And not having a clarity of thought. Okay. Yeah. Negative traits, like everyone has an emotion, but still emotions like, I should say, any negative emotions like anger, once you know how to take care of that. Yeah. And then trait like there are some people who are so possessive, so once you know the limit, that like you know where. बच्ची में जेलसी भाव नहीं होना चाहिए, उसके बाद ईगो प्रॉब्लम भी नहीं होनी चाहिए, और तीसरी होनी चाहिए कि एटीट्यूड प्रॉब्लम चाहिए किसी व्यक्ति में। एक तो उसके अंदर सबसे पहले अपने समय का दुरुपयोग ना करे, ठीक है ना, और दूसरा आलस नहीं होना चाहिए, अगर वो लेजी है तो वो अपने जीवन में कुछ नहीं करेगा, तीसरा उसका रॉन्ग कमिटमेंट नहीं होना चाहिए। नहीं चाहिए, हाँ। सबसे पहले तो उसमें कायरता ना होना चाहिए, कायर जो व्यक्ति होता है वो तो अपने पुराणों में ही वर्णित है, कायर व्यक्ति तो आए दिन अधिकांशता मरता रहता है, ठीक है। अच्छा
उसमें चुगलखोरी नहीं होना चाहिए। चुगलखोरी वाला व्यक्ति कभी भी अपने जीवन के जो महत्वपूर्ण शोक वो है वहाँ नहीं पहुँच सकता। और तीसरा है झूठ ना बोलना। वैसे फिलहाल आज के समय में तो वैसे हर आदमी झूठ बोलता है, लेकिन जो अपने खास हैं उनसे झूठ ना बोले, क्योंकि झूठ कभी ना कभी पकड़ता है और विश्वास टूटता है। तो अपनों से तो झूठ बोलना ही नहीं चाहिए। अवगुण जो अवगुण जो उसके अवगुण है, भ्रष्टाचार ना हो, भ्रष्टाचारी ना हो, मतलब तीन अवगुण उसके जो है, भ्रष्टाचार बेईमान ना हो, भ्रष्टाचारी ना हो भाई, गलत ना हो उसका। Haughtiness. I think it tears people down. Yeah, I don't like people that are, I guess, disloyal when they are two-faced. They act like they want to help you out and they don't. Third, people selfish if they're out for themselves. Honest. The best thing is should not be dishonest. Not cheap. Someone who lies. And this is very important. And rudeness. Firstly, a person should not be egoistic. He or she should not be overconfident. Then a person should not be short-tempered. आपको यही होनी होना चाहिए कि अगर कोई आदमी कोई तरक्की कर रहा है तो आप उसको देख के आप परेशान होते हैं और फिर आप भी उस लेवल पर पहुँचना चाहते हैं और वो आप नहीं पहुँच पाते हैं तो कोई क्राइम करते हैं जो आजकल हो रहा है। अंडरएस्टिमेटिंग अदर्स। सेकेंड वन इज सेल्फिशनेस। थर्ड वन इज वन शुड नॉट सर्च द शॉर्टकट फॉर द हैप्पीनेस द सक्सेस। दुर्गंध तो सर चोरी तो करना ही नहीं चाहिए, सबसे बुरी बात चोरी करना। करप्शन और दारू नहीं पीना चाहिए, दारू नहीं पीना चाहिए, बीड़ी भी नहीं पीना चाहिए। अच्छा, मतलब ये सिगरेट गांजा वांजा ये इससे सबसे दूर रहना। शराब भी नहीं होना चाहिए, झूठ बोलने वाला नहीं होना चाहिए। मेरी नजरों में हर चीज फैमिली से वो होती है, तो मतलब उसके अंदर ये बुराई तो बिल्कुल ही ना हो कि अपनी फैमिली से कभी झूठ बोले। Life partner, accepting and open-minded and funny. Life partner में सबसे मेन चीज आज की भागदौड़ जिंदगी को देखते हुए वो समझ होनी चाहिए। सबसे बड़ी चीज़ कि वो आपको समझे कि हो सकता है पर्सनल लाइफ में आप बहुत ज़्यादा टाइम बिजी हो, बहुत ज़्यादा बिजी हो, तो वो चीज़ वो ऑटोमेटिकली समझे कि हाँ हो सकता है ही माइट बी बिजी, ही माइट बी वेरी लेट, सो सबसे पहली चीज़। और दूसरा कोऑपरेट करके चले हर चीज़ के लिए, कोई किसी तरह की जीत ना हो। एक तो पढ़ा लिखा रहना चाहिए, और दूसरा जो उसका कुछ कहना होता है ना और हमारा कहना होता है वो एक बराबर को होना चाहिए, मिलजुल के काम करना चाहिए। और तीसरा जीवन साथी के बारे में कि हमारे दोस्त यार के बारे में जहाँ भी जाओ तो उसको बता के जाना चाहिए। फिर आपकी फैमिली में क्या क्वालिटी आप देखना चाहते हैं?
क्वालिटी तो पहले ये देखना चाहता हूँ कि वो लिटरेट हो, एजुकेटेड हो, सही है। लेकिन इसके अलावा उसकी अपनी सोच हो, मतलब मेरी फैमिली में वो जो चीज़ करना चाहे, वो जिस भी जगह जाना चाहे, अगर घर में रहना चाहे तो घर में, इसके अलावा अगर वो बाहर अगर अपना करियर डेवलप करना चाहे तो वो भी हो, वो भी स्पीच। एक सवाल और जल्दी से, अपनी पत्नी की दो अच्छी बातें बताओ। मेरी पत्नी सबसे बढ़िया उसमें क्वालिटी ये है कि वो वफादार है जी, परिवार के प्रति वफादार, बच्चों के प्रति वफादार, काम के प्रति वफादार। Like she should be friendly, kind-hearted, and also beautiful. Which adjustable हूँ सबसे, adjust कर सके, परिवार को समझ सके, परिवार को समझे कि परिवार क्या होता है, रिलेशन मेंटेन करना समझे कि हमें अपने परिवार में कौन से लोग कितने गए हैं, उनके साथ मेरा कैसा सब रिलेशन रखना है ये उसको समझना चाहिए। ऑन द होल लाइफ मेरा पार्टनर भी पॉजिटिव सोची और मैं भी पॉजिटिव सोची है ना, और दूसरी की उसके अंदर भी संस्कार हो, मेरे अंदर भी संस्कार हो, एक फैमिली को लेकर के चलने का जो ये होना चाहिए, मतलब कि सीख होनी चाहिए, वो सीख होनी चाहिए हम में भी और उनमें भी, और एक दूसरे को समझना चाहिए, वो हमें समझे, हम तो समझे, एक दूसरे पर विश्वास सबसे जरूरी है, विश्वास होना चाहिए, हमेशा साथ रहें और अच्छा मैंने व्यवहार अच्छा करें बस। Love others and yourself too. love the world. I mean, love each other. I love others, other people. Yeah. It's not like, it's, yeah. It should be like compassion. Compassion. Yeah, you can say compassion and genuine. मेरी बातों को समझ सके वो, बिना सुने कोई भी डिसीजन ना ले, और हर डिसीजन हमारा म्यूचुअल हो, गुप्त बात छुपा के ना रखे, कोई को उसको कोई जरूरत है कोई चीज़ की या पैसे की या कोई भी चीज़ की, वो हमसे खुल के बात करे, हमें ये चीज़ चाहिए, हम उसे कहीं से लागे दे सकते हैं, और उसको ये मतलब कि जिम्मेदारी सोचना चाहिए बच्चों की या परिवार की, तो एक दूसरे पर विश्वास होना बहुत जरूरी है फर्स्ट नंबर। विच क्वालिटी यू वुड लाइक टू हैव इन योर लाइफ पार्टनर? अंडरस्टैंडिंग, बीइंग काइंड टू अदर्स एंड जस्ट हैविंग कंपैशन इन योर हार्ट फॉर देम, इफ यू हैव दैट देन एवरीथिंग इज पॉसिबल, इफ यू आर अ गुड ह्यूमन बीइंग यू डोंट नीड एनीथिंग। और सबसे अच्छी क्वालिटी जो वाइफ की है, जब हस्बैंड घर पे आए तो उसको मुस्कुराते हुए स्वागत करें, और मेरा जो अपना मानना है कि वाइफ जो है वो हाउस वाइफ होनी चाहिए, आदमी मेहनत करे सुबह से शाम तक कर, रात तक करे मेहनत, वाइफ को काम पे नहीं भेजे, वाइफ का काम है घर और बच्चे संभाले, और पति का काम है उसके लिए कमा के लाए अपने अपने परिवार को। Truthful. You should be honest to us. You should be understanding, mature, loving. You should be honest. एकदम पूरी तरह से honest हो, मेरे से झूठ ना बोले, कुछ भी करे वो मुझे बताए, सारी problems share करे, ताकि हम लोग मिल बैठ के उसके सुन। तो उसे 10 रुपए में गुजारा करे, क्योंकि जो गृहलक्ष्मी है वही पैसा बचाती है, वही खर्च कराती है, कि ये नहीं कि मैं 10 रुपए कमा रहा हूँ, उसके देखा कि पड़ोसी के वास्ते टीवी है, मेरे को भी टीवी लेने में कर्जा लेके लूंगा तो मैं तो लोन लेके दूंगा, तो उस चीज में एक तो वो नहीं होना चाहिए कि अपना सेल्फ सेक्रीफाइस नहीं होना। वो
first thing is honesty. Okay. Honest with you. Second thing, which is every expectation by men, she should add. But still. Loyal. Okay. And I think she have a good sense. According to me, life partner में 3 qualities होनी चाहिए. सबसे पहला तो वो financially बहुत strong होना चाहिए. Number second, loving होना चाहिए. She should have a very good character. She should be a very good. सबसे पहले ये उनमें होना चाहिए कपड़े पूरे पहन के नशे निकलने. जब उनके पूरे कपड़े होंगे तो हम निगाह नहीं मारेंगे. जब कपड़े आधे होंगे मजबूर हमारी निगाह वहीं पहुँचेंगे. मेल मिलाप सही रहना चाहिए. कभी टूट में नहीं होनी चाहिए. अच्छे संस्कार हो, अच्छा काम करने वाली हो, अच्छे घर में चाल चल. अपने बच्चों के लिए हमेशा और अपने हस्बैंड का वफादार होना चाहिए और अपने यकीन घर को अच्छी तरह से संभालना. दूसरी चीज है दिखावा कुछ और हो, करते कुछ और हो, तो ये सबसे और पारिवारिक फूट डालने वाली ना हो. He doesn't eat all the foods that I make. He's very choosy. And he doesn't come out with me to this place. Really hard. He today also is not there with my children. And third, he likes hills and I like sea. जो अपने परिवार के साथ मिलके ना चले, झगड़ालू ना हो, झगड़ा ना करे किसी से और सबके साथ उसका व्यवहार जो है सदैव अच्छा रहे. ये नहीं होना चाहिए. तीन चीज ये नहीं होनी चाहिए कि उसमें तो दिखावा नहीं होनी चाहिए. एक किस टाइप का मतलब कि दिखाव किसी किस्म का, जैसे अपने पास है तो 2 रुपये बताओ ला. अच्छा, वो नहीं होना चाहिए. पैसों पर दिखाना नहीं दिखानी चाहिए. बच्चों को ऐसी शिक्षा नहीं देनी चाहिए कि उनके दिमाग खराब हो गया. अच्छा, कि भाई हमारे पास इतना है, ये है, हमारे पास इतना था या इतना है, हो जाएगा. उससे बच्चे आगे जा कर खराब ही होंगे. बच्चों को ऐसी शिक्षा दे कि मेहनत करो, कमा खाओ और ईमानदारी. कोई सेंसलेस बातें ना हो, मतलब बेस होना चाहिए. कोई भी टॉक करे तो उसका बेस हो. जागरूकता बढ़ दिया गई किसी भी काम के प्रति या किसी सोसाइटी के प्रति. अवेयरनेस जाग रही, बढ़ रही है. व्यक्ति में सोच की डेवलपमेंट, जो करने की क्षमता है, जो सोचने की प्रोसेस है, वो बहुत अत्यधिक बढ़ गई है किसी भी क्षेत्र में हो चाहे. और आजकल जो पॉलिटिक्स है उसमें भी युवा इंटरेस्ट लेने लगे हैं, नहीं तो अभी तक ऐसा नहीं होता था. तुम्हें यह है कि यूथ आजकल सारा एजुकेशन की तरफ ट्रांसफर हो गया है, सबसे अच्छी बात है. पर 80% जो यूथ है वो नशों में भी, ड्रग्स में हो रहा है, उनको वहाँ नहीं जाना चाहिए, जो बिल्कुल ही गलत है उनके लिए. पर सबसे अच्छी बात यह है कि हमारे देश का, चाहे आज वो भिखारी का बच्चा हो चाहे करोड़पति का बच्चा हो, सब एजुकेशन की तरफ भाग रहे हैं. और भिखारी भी अपने बच्चे को, चाहे वो दिन में 1 रुपये भीख मांगता है चाहे 10 रुपये भीख मांगता है, वो भी सरकारी स्कूल में भेज के अपने बच्चों को पढ़ा रहा है. सबसे बड़ी बात है सब एजुकेशन की तरफ ट्रांसफर हो गया है. और एजुकेशन एक ऐसा जरिया जो हमारे देश को बदल सकता है, वरना और कोई नहीं बदल सकता. और क्या लगता है कि थोड़ा है जो इनमें अच्छा है नई जनरेशन में, जो पहले इतना नहीं था लोगों में क्वालिटी? कोई क्वालिटी ये अभी तरक्की ज़रूर करी है, पढ़ाई लिखाई ज़रूर करी है, पर सही रास्ते पर चल रहे. माँ बाप के साथ सही नहीं करते, या रिश्तेदारों के साथ सही नहीं करते, हर एक के साथ जो सही नहीं है. Which quality you see in today's youth that particular quality is strengthened? Which quality? You are very overambitious. मैं जो तुम स्टार पर अच्छा ही हमारे जो बच्चे हैं वो पहले नशा करते थे, अब नशा नहीं करता हमारा कोई बच्चा. जैसे बीड़ी है, सिगरेट है, तम्बाकू है, जो आपकी उम्र के बच्चे हैं ना,
वो हमारे जो पहले 20% करते थे अब 1% कैरियर को लेके ज्यादा कैरियर ज्यादा सीरियस है सबसे अच्छा मुझे लगता है वो बहुत पॉजिटिव होते हैं आजकल के यूथ और बहुत ही लविंग और केयर एक तो पॉलिटिक्स वो लोग अभी उस चीज को बहुत समझ रहे हैं अच्छा क्योंकि हम लोग जब इस एज ग्रुप पे थे हम लोग इतना नहीं पब कल्चर है वो बढ़ गया तो वहाँ जाके लोग एकता मिल उसको फटाफट पैसा चाहिए इजी मनी चाहिए दे डू नॉट वांट टू वर्क वेरी हार्ड हाँ ये कह रहे कि सेल्फिश बहुत हैं आजकल के लोग दे डू नॉट अंडरस्टैंड अदर्स फीलिंग्स एंड दे डोंट वांट टू गेट इनटू अदर प्रॉब्लम्स आल्सो वो अपने आप में जीना चाहते हैं टाइम नहीं आ रहा हाँ टाइम होता ही नहीं सोशल मीडिया में ज़्यादा है वही है कि मतलब कि सपोज आई एम लिविंग इन माई हाउस एंड मेरा पड़ोसी बहुत ज़्यादा दिक्कत में है इट कुड बी फाइनेंशियल प्रॉब्लम इट कुड बी सम पर्सनल मैटर ऑल्सो बट नो वन वॉन्ट्स टू गो एंड नो अदर प्रॉब्लम सो दैट्स द मेन थिंग आई वॉन्ट दैट द न्यू जनरेशन शुड come up with new ideas like we should open with other persons and should also क्या कहते हैं उसे कि अपने आप से दूसरों को मतलब कि एक तरह से जोड़े कि दैट वी आर वन पर्सन इन अ सोसाइटी सो वो चीज़ पैसे के पीछे भागते भागते इतना जो हो जाता है तो वो अभी कोई बड़ा गुस्से है घर में कोई अच्छी चीज़ समझाता है तो उसको वो चीज़ समझ में नहीं आती युवाओं में एक जो नशे की आदत है वो फैशन के तौर पर यूज करने लगे हैं आजकल कि जैसे बंदा नशा नहीं करता है तो वो कुछ मतलब अच्छा नहीं है ऐसा लोगों की सोचने की थिंकिंग हो गई है ये गलत है और महिलाओं के जो प्रति आजकल देख रहे हो ना आप दिल्ली में से सब चलता है ना वो बहुत गलत है ऐसा नहीं होना चाहिए रिस्पेक्ट करनी चाहिए हाँ गर्ल्स हैं या महिला है लेडी है तो उन सबकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए आप ऐसा कौन सा तीन गुण है जो आपको लगता है कि हाँ युवा पीढ़ी में कम होते जा रहा है ऐसा नहीं होना चाहिए जो पहले के युवा पीढ़ी में था लेकिन वो खत्म हो गए हाँ धर्म धर्म जो है बहुत कम हो रहा है आज के युग पहले बहुत होता था सच्चाई आपको क्या लगता है कि जो आज की जनरेशन है उसमें कौन सी क्वालिटीज थोड़ी नहीं है जो पहले अच्छी होती थी आज की जो है आज का तो आपकी जेब में पैसा है ना वो कहते मेरी जेब में आ जाए रातों रात लाखपति बन जाए पेशेंस नहीं है ये सब कुछ है उनको मेहनत नहीं है मेहनत करें टाइम में चले तो सबको मिलनी चाहिए और आपके हिसाब से आजकल के जो यूथ है जैसे आप भी हम तो यूथ में आते हैं तो आजकल के यूथ में क्या अच्छाइयाँ हैं क्या बुराई हैं एक एक पॉइंट दोनों में अगर आप बुराई ये है कि हम ज़्यादा मटेरियलिस्टिक होते जा रहे हैं हम अपने रहन सहन पे ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं और बाकी ये सोसाइटी जो है कंट्री है उसकी तरह हमारा कम तवज्जो आज का युवा जो नई पीढ़ी जो आ रही है सर उसके लिए मुझे ऐसा लग रहा हो कि आपको वो कुछ गलत आदतें लेकर बड़ी हो रही है जैसे कई लोग सोशल मीडिया को बहुत टाइम दे रहे हैं आजकल के युवा जो पहले की पीढ़ी तो इतना नहीं है परंतु जैसे आपके विचार हो नहीं मैं देख रहा हूँ स्मोक में ज़्यादा जा रहे हैं बच्चे स्मोकिंग बहुत जल्दी ठीक है बिफोर 14 वो नहीं होनी चाहिए विच क्वालिटी इज डिटरिंग नाउडेज इन द टुडेज यूथ अच्छा मतलब आजकल की यूथ में कौन से गुण बढ़ रहे हैं मतलब जो आपको लगता है 15 साल से पहले आज के युग में चोरी बेईमानी और घूसखोरी ज़्यादा बढ़ रही है इन चीज़ों से हमें बहुत नफरत है ये नहीं होना चाहिए गलत संगत में पड़ के सोच और कुछ झूठ बोलना हो और क्रोध बहुत आना जो आज के बच्चों को क्रोध बहुत जल्दी आ जाता है और लंबी छलांग लगाने के चक्कर में गलत राह पकड़ जाते हैं आगे वही ईमानदारी ऑनेस्टी पे तो लगाम लग रही है
जी ऑनेस्टी कम हो रही है आपके साथ? ऑनेस्टी बढ़ रही है, धोखा देना, इनका छल करना और अपने पैसे को कमाने के लिए आज भी सब कुछ तैयार करने को ऐसा नहीं होता। नाउ पीपल आर नॉट लॉयल, दे आर मोर क्लेवर। आजकल के बच्चे ये देखने में आता है कि बड़ों की रिस्पेक्ट नहीं करते हैं और जॉइंट फैमिली में भी रहना नहीं चाहते हैं और ज़्यादा चोरी चकारी, अगर घर में नहीं पैसा इतना होता तो बाहर से कोई भी बुरा काम करके वो पैसा कमाने की उनको लगी है। आजकल के यूथ में जो है एक तो बहुत जल्दी दूसरों को ट्रस्ट कर लेते हैं, मुझे लगता है ऐसा नहीं होना चाहिए, बहुत जल्दी ट्रस्ट नहीं करना चाहिए किसी पे और कभी कभी किसी बात को लेके बहुत इरिटेट करते हैं, लाइक किसी चीज़ के पीछे पड़ गए तो पीछा ही नहीं छोड़ते हैं, समझने की कोशिश नहीं करते हैं और थर्ड थोड़ा जनरेशन गैप है, अगर उनको अच्छा समझाओ तो वो कभी कभी नहीं समझ पाते, चाहकर भी नहीं समझ पाते। भ्रष्टाचार ज़्यादा बढ़ रहा है, मतलब इंसान में एक भ्रष्ट होने की प्रवृत्ति बढ़ रही है। अपने बारे में कहूँ तो रेडी टू हेल्प टू अदर्स, अगर कहीं पर भी मैं कोई भी चीज़ ऐसा देखता हूँ कि हाँ समन इज रेडी, मैं उस चीज़ का वेट नहीं करता ताकि वो अगला बंदा मुझे ऑफर करे कि हाँ रिक्वेस्ट करे कि मैं आपकी मुझे हेल्प की ज़रूरत है। सेकेंड थिंग कि ऑफिशियल हो या पारिवारिक प्रोग्राम हो, मैं अपने आप को हमेशा मैक्सिमम टाइम बहुत रेयरली मुझे गुस्सा आता है। एक ही क्वालिटी है कि मैं झूठ नहीं बोलता हूँ, मैं वही चाहता हूँ सामने वाले पर्सन से कि वो मुझसे झूठ ना बोले, मैं जो भी बोलता हूँ कोशिश करता हूँ मुझे सही बोलूँ, बहुत ही रेयर कंडीशन में ऐसा नहीं है, मतलब हर कोई झूठ बोलता ही थोड़ा बहुत, बहुत ही रेयर कंडीशन है, किसी को हार्म ना हो तो फिर मैं बोल देता हूँ दरवाजी झूठ नहीं बोलता हूँ मैं। इसके अलावा अपने काम के लिए एकदम से कमिटेड हूँ, हर किसी को होना चाहिए अपने काम के लिए कमिटेड, ईमानदार हूँ यार, लोगों का बुरा नहीं चाहता, लोगों से झूठ नहीं बोलता और किसी का बुरा नहीं चाहता। मैं मेरे अंदर तो कुछ ऐसी बातें हैं मतलब अच्छी हैं, जैसे कि मकान वगैरह और बड़ों की बात का मानता हूँ, उनका आदर करता हूँ, जो भी वो कहते हैं उनकी बात को मानता हूँ, टाइम देता हूँ, जैसे मैं यहाँ पर मैं तो अपने ऊपर तो अपना अपने बारे में बता सकता हूँ, अपने आपके बारे में तो मैं संयम सबसे पहले तो अपने आप में संयम रखता हूँ बहुत ज़्यादा, और अच्छा दूसरी बात सामने वाले से अच्छा व्यवहार करता हूँ, क्योंकि अगर हम पैसे भी ज़्यादा लेते हैं तब तो भी हम अच्छे तरीके से बात करेंगे, ना कि हम गुस्सा करेंगे और किसी चीज़ हम जहाँ जिसको लेके जाते हैं हम वहीं पर छोड़ेंगे, क्योंकि ये नहीं कि हम आपको जैसे यहाँ का लाए कहीं अलग गुमराह करके छोड़ दें, ऐसा नहीं, हम जहाँ अलग लाते हैं जहाँ तक का पैसा लेते हैं वहाँ ज़रूर छोड़ना है, अगर नहीं भी मेरे को पता तो जानकारी दीजिए। अपने बारे में अच्छा लगता हूँ कि हाँ मैं मेरे बारे में यही है, अभी हम तो यही है शुरू से यही है कि उसके ऊपर विश्वास कर, बाकी कोई गरीब आदमी है उसको अगर तुम दे नहीं सकते तो उसको हाथ जोड़ दो, मजा आता है। तीन क्वालिटी जो अपने बारे में अच्छी लगती है, और पेशेंट को जो रियली नीड है उनको हेल्प करना, जिनको हम अपनी तरफ से फूड भी खिला सकते हैं, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, और तीसरा कि सबके साथ अच्छे से रहना और अपने सीनियर है उनका फॉलो करना। और सर अगर आप अपने
आप खुद की अगर आपको बताना चाहिए आपके अंदर लगता हूँ कुछ बहुत ही क्वालिटी मेरी वाकई बहुत अच्छी है, सोशल एक्सेप्टेबल क्वालिटी एक ही है, अपने ऑफिस को पूरा टाइम देता हूँ सुबह से लेकर शाम। And describe your three best qualities which you have in you. I think I'm honest. Yeah. Hardworking. Yeah. और आपके अंदर क्या तीन अच्छे गुण हैं? हमारे अंदर तो तीन गुण क्या ऐसे गुण हैं हमारे अंदर, एक तो हम ईमानदारी से चलते हैं, ऑटो चलाते हैं, मीटर से चलते हैं, हाँ, और किसी को दगा छल नहीं करते हैं और झूठ सांच नहीं बोलते हैं। हम सत्संगी आदमी हैं, इसलिए हमें अपने ईमानदारी पे चलना चाहिए। हम केजरीवाल के समर्थक हैं, इसलिए ईमानदारी हमें अच्छा लगता है काम करने में। मैम, आपकी पर्सनालिटी की कुछ तीन ट्रेट्स जो आपको बहुत पसंद है? मेरी पर्सनालिटी? हाँ। वाओ, नो चीटिंग, आई नेवर चीट एनीवन। ओके। आई रियली प्राउड ऑफ दैट। एंड सेकंड इज आई एम सेल्फ मेड वुमन। From my childhood at the age of 15 onwards, I started fighting towards my career and as well as towards my upgradation also. Okay. Self-made person. Wait, you can tell. Even everybody tells me that. I'm a self-made person. And if I thought of one thing, ki I have to do this, definitely, today or the other day, I'll do that. Yeah. I never give up. I usually think good of people. That's one thing I think is good about me. But I always try to think of people in a good light first and get to know them better. So I always try to think good of people. So that's one good thing about me. And secondly, I guess I'm very honest. Honesty, both in terms of like, say, being trustworthy, not betraying people's trust, things like that. Also, honesty in terms of being frank. Whatever I have in my head, I'll say that out to you. That way, I'm honest and frank with people. I think I'm hardworking also. अच्छा तो ना कहो, लेकिन हम मैं सोचता हूँ कि ये गुण मेरे अंदर है, जैसे दूसरों की मदद करना। मैं हमेशा प्रयास करता हूँ कि मैं दूसरों की मदद करूँ। तीसरा, अपनों के प्रति निष्ठा। मेरे जितने भी अपने हैं, मैं हमेशा प्रयास करता हूँ कि मैं उन्हें दुखी ना करूँ और हर अपने दिल की बात उन्हीं से शेयर करूँ। तीसरी चीज़ है, कठिन परिश्रम करना मुझे बहुत अच्छा लगता है। आपको माय कमिटमेंट इज देयर। सेकंड थिंग इज माय हार्ड वर्किंग। वंस इफ आई एम व्हाट यू कॉल टेकन एनी टास्क, आई एम रेडी टू कंप्लीट दैट व्हाटएवर द पेन आई एम गोइंग टू इन द एंड। थर्ड थिंग दैट व्हाट यू कॉल माय एबिलिटी टू लर्न द थिंग्स इन ए क्विक मैनर व्हाट आई बी। व्यक्तिगत तो हम यही सोचते हैं कि किसी को ये हमारे प्रभाव के कहने का मतलब किसी को नुकसान ना पहुँचे, जो होता है उसका फायदा ही हो। फ्रेंडली, ओके, स्ट्रेट फॉरवर्ड। जैसे किसी को प्रॉब्लम हो तो उसे हेल्प करने के लिए तैयार रहती हूँ और किसी का दिल नहीं। मेरा आदत जो है सबसे ज़्यादा क्या, चिड़चिड़ापन आदत, किसी से अच्छा मतलब व्यवहार कुशल नहीं हूँ, इसलिए उसमें थोड़ा सा परिवर्तन लाना चाहता हूँ। सबसे अच्छा मधुर वो संबंध होना चाहिए परिवार के बीच, समाज के बीच और जन। Sometimes I tend to get very impatient, so I'm working on it, so I end up, if I have to measure 5 years down the line, I have improved a lot. Okay. Anger management, I need that because impatient anybody you get that, so I know that's bad, so I'm working on it. So. This
जल्द सुधारना चाहता हूँ। मुझे गुस्सा बहुत तेज आती है, इसका निवारण जितने जल्दी तक हो जाए उतना ही अच्छा है मेरी लाइफ के लिए। और पीपल फाइंड माय पर्सनालिटी वेरी बोरिंग, ऑब्वियसली आई वांट टू इंप्रूव माय पर्सनालिटी, नॉट बिकॉज पीपल वुड लाइक इट, बट आई वुड लाइक टू पुट अप माय सेल्फ इन। हाँ, कमियाँ भी हैं, कमियाँ ये हैं हमारे अंदर, जैसे कई बार ऐसा होता है कि हम थक जाते हैं गाड़ी चलाने के बाद, क्योंकि अगर हमारे पास सवारी हो तो हम मना कर देते हैं, हम नहीं जाना है, ठीक है। तो वो कमी हमारे अंदर है, हम थोड़ा रिलैक्स आराम के चक्कर में, थोड़ा लोभ के चक्कर में लोभ भी करते हैं, हम नहीं जाना भी है या जाना भी पैसे ऐसा मांगते हैं, कमी हमारे अंदर थोड़ा सा करेंगे, लेकिन होते नहीं जल्दी से यहाँ पर, क्योंकि यहाँ इतना वर्क लोड नहीं है, फिर भी थोड़ा सा। और सर, ऐसी कोई आपकी गलत आदत हो जिससे आप खुद परेशान हो, उसे आप वर्क करना चाह रहे हो, उसे इम्प्रूव करना चाह रहे हो, जैसे कि आपको बहुत गुस्सा आ रहा है, कुछ वर्क करना चाहते हो, ऐसी क्वालिटी आपको खाना खा रहे हो, घूमता नहीं हूँ। अच्छा अच्छा, मतलब शेयर से रिलेटेड सर, विच क्वालिटी यू वुड लाइक टू इम्प्रूव इन योर पर्सनैलिटी, और विच वन क्वालिटी यू वांट टू इम्प्रूव? Any one single quality. Everything after improving that quality will be very happy, very good, fine. Extrovertness, yeah, or socializing. So you want to explore your social network? Yeah, social network. I want more exposure. Personally believe that I am weak in communicating with girls. और आपके अंदर ऐसी कौन सी तीन चीज़ें हैं जो आप सुधारना चाहते हैं, जो आपको लगता है कि अभी मुझे इन इन चीज़ों को सुधारना है? हम यही सुधारना चाहते हैं कि हमारे अंदर जो गुस्सा है वो बिल्कुल नहीं आनी चाहिए, चाहे बच्चा हो चाहे बड़ा हो चाहे बूढ़ा हो, सबको एक निगाह से देखना चाहिए, प्रेम से बोलना चाहिए, अच्छा व्यवहार होना चाहिए। जब अच्छा व्यवहार आपसे हम करेंगे तो आप हमारे से बोलने बतलाने में आपको झिझक नहीं लगेगी, और गलत व्यवहार होगा तो आप हमसे बात नहीं करोगे, दूर दूर भागोगे। मैं अपने में इम्प्रूव ये करना चाहते हैं कि हम डोमिनेट ना करें, कुछ करना है तो उसको करके दिखाएं, ये ना कहें वो नहीं करता और ऐसा नहीं होता वैसा नहीं होता, करना चाहिए।